ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण, बलराम जी और अन्य ग्वाल बाल सब मथुरा की गलियों में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। शुरुआत में मथुरा में जो स्त्रियां हैं वो उनका पुष्प इत्यादि से स्वागत करती हैं। फिर ब्राह्मण मिलते हैं जो भगवान को पुष्प मालाएं अर्पण करते हैं और विभिन्न मंत्रों से उनका स्वागत करते हैं। फिर एक धोबी आ जाता है जो भगवान जब याचना करते हैं कपड़ों की, तब वो मना कर देता है और कृष्ण का अपमान करता है, तब भगवान है अपनी उंगली से ही उसका वध कर देते हैं। और उसके बाद है एक बुनकर भगवान को वस्त्र से बने हुए विभिन्न आभूषण प्रदान करता है। उसके बाद है सुदामा नाम का ब्राह्मण है, वो भगवान को अपने घर पर ले जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा और सेवा करता है। तो इस प्रकार से भगवान है मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं और कई लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। चलते चलते कृष्ण आगे बढ़े तो उन्हें दूर से एक आती हुई महिला को देखा। उस स्त्री का जो चेहरा था, मुख था, वो तो अति सुंदर था, पर उसका जो पूरा शरीर है वो मुड़ा हुआ था। वो कुबड़ी थी, यानी कि उसके शरीर के तीन भाग मुड़े हुए थे, गर्दन, छाती और कमर, ये तीन भागों से वो मुड़ी हुई थी। और उसके हाथ में एक थाल था जिसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधी लेप लेकर वो जा रही थी। जैसे ही कृष्ण है इस कुब्जा को देखते हैं तो तुरंत है चलकर उसके पास चले जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और ये सुगंधित जो लेप है किसके लिए लेकर जा रही हो, और अगर ये लेप है तुम हमें प्रदान करोगी तो तुम्हें महान वर प्राप्त होगा। अब इस घटना से हमें कई वस्तुएं सीखने मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुब्जा ने कोई प्रयास नहीं किया भगवान को मिलने के लिए, पर भगवान स्वयं ही कुब्जा को मिलने के लिए उसके सामने गए और उनसे याचना भी की उस लेप के बारे में। तो ये भगवान की एक अहेतु की कृपा है कि जिससे भगवान है जीव के ऊपर कृपा करते हैं और उनसे की सेवा ग्रहण करते हैं। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जो भक्त है इस्कॉन में, हरे कृष्ण के भक्त, वो पुस्तक का वितरण करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कहीं बाजार में जाएंगे पर वो दिखाई देता है कोई एक व्यक्ति है उसके पास जाता है और उसको पुस्तक के बारे में बताता है, और वो व्यक्ति पुस्तक ले लेता है और हो सकता है कि धीरे धीरे वो पढ़ने लगे और भक्त भी बन जाए। तो इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। कोई भी कारण के बिना, कोई भी स्वार्थ के बिना भक्त है इस प्रकार से भगवान के संदेश का वितरण करता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी है अपना प्रेम इस जो कुब्जा है उसको प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए सामने से उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर ये बोले कि हे सुंदरी। हालांकि उसका मुख सुंदर था पर शरीर सुंदर नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। फिर भी भगवान जब सुंदर बोले तो इससे तात्पर्य ये है कि भगवान है सत्यवाक है, यानी कि उनके जो वचन है जो बोलते हैं उसी प्रकार से होता है, वो कभी भी उनके वाणी जो है असत्य उच्चारण नहीं करती है। और भगवान के भक्त भी है वो भी इन्हीं की प्रकार, इन्हीं की तरह है, सत्यवाक होते हैं। जैसे हम देखते हैं नारद जी है, जब कुबेर के दो पुत्र हैं मणिगिरि और नलकुवर, इन दोनों को श्राप दे देते हैं कि आप हैं दो वृक्ष बन जाइए, और फिर उन्होंने क्षमा याचना मांगी। तब नारद जी कहते हैं कि आप दोनों वृक्ष तो बनेंगे पर गोकुल में आपको जन्म मिलेगा और वहां पर भगवान कृष्ण की जब बाल्य लीला होगी तब भगवान है आप दोनों का उद्धार करेंगे। तो नारद जी ने श्राप दिया क्योंकि वो भविष्य में जो होने वाली घटना है उसको जानते थे। तो इस प्रकार से सत्यवाक जो है वो भविष्य को जानता है। तो कृष्ण जब बोले कि हे सुंदरी, क्योंकि कुछ समय के बाद ही भगवान इस जो त्रिवक्रा है या कुब्जा है उसको सुंदर बनाने वाले थे। रामायण में भी घटना आती है कि विभीषण जब आता है लंका को छोड़कर भगवान राम की शरणागति में,
फिर थोड़ी चर्चा विचारणा होती है और अंत में हनुमान जी कहते हैं कि इनको आप ग्रहण कर लीजिए। तब भगवान राम है विभीषण को मिलने, विभीषण को बुलाते हैं मिलने के लिए, और जब विभीषण आता है तो भगवान उसको हे राजन, हे लंकेश कहके पुकारते हैं। अब विभीषण अभी राजा नहीं था, पर कुछ समय में वो राजा बनने वाला था, भगवान जानते थे, और भगवान यहाँ तक कि उसका राज्य अभिषेक भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कुबड़ी थी वो सुंदर, मतलब उनका जो चेहरा सुंदर था, पर कुछ समय के बाद है उसका पूरा शरीर सुंदर हो जाएगा, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के कारण वो वास्तव में वो सुंदरता उसकी निखर आएगी। तो भगवान जब बोलते हैं सुंदरी, तो एक प्रकार से लग सकता है कि भगवान इसकी मजाक कर रहे हैं, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, हास्य विनोद कर रहे हैं। ये भी एक बाह्य दृष्टि से हम समझ सकते हैं, एक रस है, हास्य रस, तो उसका आस्वादन भगवान करते हैं, पर साथ साथ में ये भी है कि वो उसको सुंदर बनाने वाले हैं। तो भागवत में आगे कहता है कि भगवान जो है, जब ऐसे प्रश्न किए उस त्रिवक्रा को, तो उसने कहा कि मेरा नाम है त्रिवक्रा, क्योंकि वो शरीर से तीन भागों से मुड़ी हुई थी और कुबड़ी थी, इसीलिए उसको कुब्जा भी कहते हैं, और मैं कंस की सेविका हूँ, और ये सुंदर लेपों को लेकर मैं कंस के पास जाती हूँ, उसको ये लेप पसंद है। अब देखिए, भगवान कृष्ण जो त्रिवक्रा है उसकी सेवा से प्रसन्न हुई, और कंस है सिर्फ उनके लेप से प्रसन्न होता था, वो सिर्फ है लेपों से ही उनको मतलब था, पर भगवान है वो तो एक लेप उससे ग्रहण करना वो एक बहाना था, पर वो उनकी भक्ति से, उनकी जो सेवा करने की भावना थी उससे वो प्रसन्न हुई। तो इसलिए जब है भगवान कृष्ण उससे याचना करते हैं, तो बिना झिझक के, क्योंकि वहां पर हो सकता कोई सैनिक हो, देख ले कि ये कंस की सेविका है, राजा का लेप है, किसी और को लगा दिया और उसको पकड़ भी ले, या राजा को बता दे, राजा उसको दंडित करे, तो ये किसी की भी परवाह किए बिना वो तुरंत है तैयार हो गए कि आप दोनों ही कृष्ण और बलराम, आप दोनों ही लेप के सुयोग्य हैं। तो इस प्रकार से उसके ये साहस को देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए। इस संसार में हम एक थोड़े से सुख के लिए कई बार दुर्जनों की हमें सेवा करनी पड़ती है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे। भक्ति विनोद ठाकुर का कहने का अर्थ है कि थोड़े से सुख के लिए हम कई बार दुर्जनों की सेवा करते हैं। यहाँ पर है त्रिवक्रा है, कंस की कई सालों से सेवा कर रही थी, पर एक सेवा उसने की भगवान कृष्ण की, और भगवान कृष्ण ने उसको महान वरदान दे दिया। उसका शरीर तो सुंदर हो गया, उसके जो प्रारब्ध कर्म थे वो तो खत्म हो गए, पर साथ साथ में उसको भक्ति भी मिली। तो भगवान कृष्ण है उसको वरोरु कह के संबोधित करते हैं कि तुम सुंदर हो, और उस प्रकार से उसकी सुंदरता का बखान करते हैं, और वो भगवान कृष्ण को है पीला लेप लगा देती है और बलराम जी को नीला लेप लगा देती है। तो उसकी ये सेवा भावना को जब भगवान देखते हैं कि इसने इतना साहस करके, भर पूरी बाजार थी, सब लोग देख रहे थे, फिर भी उसने भगवान कृष्ण की सेवा की, तो प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे कि इसको कुछ मुझे वरदान प्रदान करना चाहे। उससे भगवान स्वयं अपने पैरों को उसके पैरों पर रख देते हैं और अपने हाथ की दो उंगलियां है उससे उसके मुख के नीचे रख कर उसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, और वो जो त्रिवक्रा थी जिसकी गर्दन, छाती और कमर तीनों मुड़ा हुआ था, वो पूरा शरीर है ठीक हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और वो अप्सरा जैसी ही एक सुंदर नारी का रूप ले लेती है। प्रायः हमें हमारा शरीर जो है अपने पूर्व के कर्मों से मिला होता है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जो प्रकट हो चुके हैं। कई कर्म है कि जो प्रकट नहीं हुए उसको कहते अप्रारब्ध कर्म, जिसका फल हमें भविष्य में मिलने वाला है। तो प्रारब्ध कर्म सामान्य रूप से बदलते नहीं, क्योंकि एक बार हमें शरीर मिल गया है तो उसी के साथ हमें जीना होता है। माता पिता एक मिल गए तो कुछ वस्तुएं हमें मिल गई है अपने पूर्व कर्म के अनुसार,
और उसमें इस जीवन में तो परिवर्तन नहीं होते हैं, पर भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान ये प्रारब्ध कर्मों को भी बदल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म है और अप्रारब्ध जो कर्म के फल आपको मिलने वाले हैं उसको भी बदल सकते हैं। कर्म का जो मूल है अज्ञान, वही जब दूर हो जाता है तो प्रारब्ध अप्रारब्ध इत्यादि जो कर्म की विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कर्मणा निर्दहति चुक्तो किंतु, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कर्मणा निर्दहति च किंतु भक्ति भाजम, कि भक्ति मात्र में ऐसी शक्ति है, भक्ति में वो ऐसी शक्ति है कि कर्मणा निर्दहति, कर्मों के जो पूरे ढेर को वो जलाकर भस्म कर देते हैं। भक्ति के माध्यम से ही संभव है। और यहाँ पर उसकी छोटी सी सेवा जो कृष्ण की कर दी और भगवान ने उसके सब कर्मों के बंधन से उसको मुक्त कर दिया। और जब वो इस प्रकार से सुंदर रूप उसने धारण कर लिया तब भगवान के प्रति उनका आकर्षण होने लगा। वो भगवान को चाहने लगे कि अद्भुत ये प्रसंग हुआ, चमत्कार हुआ, और कृष्ण को अपने प्रेमी की तरह ही वो उनका जो उपवस्त्र है उसको पकड़कर हंसने लगी और भगवान को कहने लगी कि आप हमारे घर पर चलिए और आपने जो कार्य किया है तो किस प्रकार से मैं आपका आभार व्यक्त करूं, तो आप हमारे अतिथि बनकर हमारे घर पर चलिए। तो इस प्रकार से वो है तो हंसकर है भगवान को पुकारने लगी। और फिर भगवान है उस समय है बलराम जी और अन्य जो ग्वाल बाल है उनके साथ उनको देखते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है अभी हमारा जो कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो यहाँ पर जो वर्णन है उससे कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो कुब्जा है वो कामुक होकर भगवान कृष्ण से आकर्षित हुई। पर थोड़ा इतिहास देखेंगे कुब्जा का, त्रिवक्रा का, तो आपको पता चलेगा क्यों इस प्रकार का आकर्षण उसका था। तो एक कथा है जिसमें बताया गया है कि रामायण में जब शूर्पणखा आती है दंडका वन में, दंडकारण्य में, और वो भगवान राम से आकर्षित होती है उनके सुंदर रूप से और उनको जाकर है मिलती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। भगवान राम उसको मना कर देते, लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण है उसको मना कर देते हैं। तो बारंबार इसके साथ ऐसा हुआ, तब वो सीता देवी के ऊपर आक्रमण का प्रयास किया और तब भगवान आदेश देते हैं और लक्ष्मण है उसके नाक और कान काट देते हैं। उसके बाद है पूरी रामायण की घटना है। पर फिर शूर्पण का है भगवान शिव की आराधना कई सालों तक, हजारों सालों तक करती है और फिर उससे वरदान मांगती है कि भगवान राम ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, उसके प्रति जो मेरा प्रेम का आकर्षण है वो पूरा हो। तो उस समय है शिव जी उनको वरदान देते हैं कि द्वापर युग तक तुम्हें है प्रतीक्षा करनी होगी और ये जो शूर्पणखा है वही कुब्जा या त्रिवक्रा बने। साथ में और भी वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे भूदेवी है, श्रीदेवी है। अब दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमेशा भगवान विष्णु के दोनों और एक एक उनकी शक्तियों की मूर्तियां होती हैं, एक है उसमें भूदेवी और दूसरे है श्रीदेवी। तो भूदेवी यानी कि जो भूमंडल जो है उसी की अधिष्ठात्री वो भगवान की शक्ति है और कृष्ण लीला में वो सत्यभामा के रूप में भी है, तो वो भू शक्ति का भी अंश है इस त्रिवक्रा के अंदर था और भगवान के प्रति उसका आकर्षण हुआ। तो एक और वैष्णव आचार्य इससे बताते हैं इस घटना से कि वो जो कुब्जा का शरीर, जो कुबड़ी थी उसका शरीर पूरा मुड़ा हुआ था, भार से जैसे झुक गई थी। वो बताता है कि भगवान है भूदेवी को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये जो आसुरिक जो राजाओं का भार है वो जल्दी ही मैं दूर कर दूंगा। जैसे यहाँ कुबड़ी स्त्री को भगवान ने अति सुंदर बना दिया तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान है परित्राणय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम, साधुओं का उद्धार करने और दुष्कृति है और ऐसे अधर्मी है उसका नाश करके भगवान भू का भार, भूदेवी का जो भार है वो दूर करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान है भार दूर करने के लिए यहाँ पर है, प्रकट हुए है। और जिस प्रकार से
त्रिवक्रा को सुंदर बना दिया, इसी प्रकार से इस भूमंडल को भगवान है धर्म की भूमि बना देंगे। तो ये भी एक घटना से हमें देखने को मिलता है। फिर भागवतम है आगे हमें बताता है आगे कि ये भगवान कृष्ण का स्पर्श जो है वो इतना प्रभावशाली है कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से स्पर्श, चाहे उनके नाम से संपर्क में आए, उनके गुण, उनकी लीलाएं या प्रत्यक्ष उनके संपर्क में आए, वो उसका शुद्धिकरण हो ही जाता है। समय की ही बात है, वो नियमित रूप से कोई नाम लेता रहता है तो भी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ पर भगवान का स्पर्श हुआ और इसका शुद्धिकरण हो गया। रामायण में हम देखते हैं कि भगवान के चरणों से जो धूल उड़ी और अहल्या को स्पर्श की, और अहल्या वापस उस शरीर को प्राप्त कर लिया और अपने पति लोक को भी प्राप्त की। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों की धूलि में भी इतना शक्ति है, उनके नाम में भी वो शक्ति है। तो त्रिवक्रा जो है वो इस प्रकार से उसकी जो कामुकता है, वास्तव में वो उसके पूर्व के जन्म की जो इच्छा थी उसी के कारण है, भगवान से आकर्षण का अनुभव कर रही है। और साथ में उसमें जो भूदेवी है, सत्यभामा जो है, उनका भी अंश है, जिससे भी उसका माधुर्य आकर्षण जो है भगवान के प्रति वो स्वाभाविक है। और इन बातों को है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भागवत के भाष्य में बताते हैं। फिर कुब्जा जो है वो उनकी घटनाओं को, मतलब भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण है, उसको कोई भौतिक दृष्टि से समझता है कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी भूल करता है। क्योंकि इस संसार में जो आकर्षण है स्त्री और पुरुष का, उसकी तुलना की जाती है लोहे के साथ, और जीव और भगवान का जो आकर्षण है वो सोने जैसा शुद्ध और पवित्र माना गया है। वो सांसारिक क्रियाएं जैसा लग सकता है, पर वो कभी भी सांसारिक क्रियाएं नहीं है। वो जीव का स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, वही उन घटनाओं का वर्णन है। पर जो वर्णन है इन घटनाओं का, वो हम वैष्णव आचार्यों के मुख से नहीं सुनते हैं, तो हम बाह्य घटनाओं को देखकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि स्त्री है और वो सुंदर पुरुष से आकर्षित हो गए। तो यहाँ पर है कुब्जा के चरित्र से हम देख सकते हैं कि उसकी जो इच्छा थी भगवान के प्रति, उसका जो प्रेम था, तो उसी को भगवान ने, उसके हृदय में वो था भावना, तो भगवान ने उसके साथ एक आदान प्रदान किया। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते साम तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो यह कुब्जा है, कंस की सेवा करने जा रही थी, पर जैसे ही कृष्ण को उसने देखा तो उसको अपना पुनः स्मरण हुआ, पूर्व जन्म की स्मृति से तुरंत वो कृष्ण की सेवा पूरे साहस के साथ, क्योंकि वहां पर ही पूरी बाजार थी और एंजल सब लोग देख रहे, फिर भी वो कृष्ण और बलराम की सेवा करती है, उनको लेप प्रदान करती है। और भगवान के लिए आप छोटी सी सेवा करें, आप एक कदम भगवान की ओर लेते हैं तो भगवान 100 कदम आपकी ओर आएंगे। तो इसलिए इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा भी जो पूरा मानसिकता है अनेक प्रकार से, अनर्थ से और अन्य जो अनावश्यक वस्तुओं से भरा हुआ है, वो बोझ है, भगवान दूर कर सकते हैं। हम भी कुबड़ी की तरह हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के प्रभाव से टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं हैं। तो जब तक व्यक्ति सीधा या सरल नहीं होता है, तब तक कृष्ण को पाना कठिन है। और अगर वो सीधा हो जाता है, मतलब उसके वाणी या उसका विचार और उसके कार्य, ये तीनों वस्तुएं एक ही दिशा में हो, उसको सरलता कहते हैं। तो जब हमारी मानसिक चेतना, हमारी वाणी और कार्य सब एक ही दिशा में कार्य करेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व सरल हो जाता है। और ऐसी सरलता से जब कृष्ण की सेवा की जाती है तो निश्चित रूप से कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो किस प्रकार से भगवान ने कुब्जा को सुंदरी रूप प्रदान कर दिया, सुंदरी बना दिया, तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं, उनकी लीलाओं के संग करते हैं, तो हमारा भी जो सुंदरता है, जीव की सुंदरता है, वो प्रकट हो जाती है। इसलिए कहते जीवे स्वरूप है कृष्ण रनित्यदार। जीव का तो स्थिति है, स्वाभाविक वैधानिक स्थिति है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, और वो ऐसी सेवा करता है तो उसकी वो सुंदरता निखर आती है। तो यहाँ पर है हमें शास्त्रों के प्रमाण से इस घटना का पूरा जो विवरण है वो समझना चाहे,
तब हम इस घटना को समझ सकते हैं और उस घटना से हमें अपने जीवन में भी बहुत सारे लेसन सीखने मिलते हैं। भगवान है, उसकी कृपा है, अहित की कृपा तभी होती है कि जब हम इच्छा करते, हम हमारे प्रयास में लगे हुए हैं, अगर हम हैं कुछ भक्ति करे ही नहीं और आशा रखे कि भगवान हमारे पर कृपा कर दे, तो वो प्रामाणिक बात नहीं है। तो हमें हमारा गंभीर प्रयास करना आवश्यक है और फिर हम है भगवान को प्रार्थना करते रहें, और जब वो हमारे गंभीर प्रयास से प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान उनके लिए की गई कोई भी छोटी सी सेवा को भी कभी भी भूलते नहीं हैं और निश्चित रूप से वो प्रदान आदान प्रदान करते हैं, वो व्यवहार हमारे साथ करते हैं। तो भक्ति का मतलब ही ये है कि श्रद्धा पूर्वक है भगवान की अपनी इंद्रियों के द्वारा सेवा करना। भगवान ने हमें जीवा दी है तो उससे भगवान के नाम का कीर्तन करना, कान दिए हैं तो उससे भगवान के नाम का श्रवण करना है, या जब है गर्मी का समय आता है तो हम भी घर में चंदन इत्यादि का लेप बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं से हम भगवान की सेवा करते हैं। हालांकि ये वस्तु ये भौतिक है, पर उनकी सेवा करने की जो भावना है वो आध्यात्मिक है। तो उस आध्यात्मिक चेतना से जब सेवा की जाती है तो इन भौतिक वस्तुओं से भी भले हम सेवा करें, फिर भी हमारा शुद्धिकरण होता है और हम हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। ये विज्ञान है, बहुत सरल है, भक्ति का विज्ञान है, बहुत सरल है, पर श्रद्धापूर्वक व्यक्ति प्रामाणिकता से सरलता से जब करता है तो उसको निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। तो कुब्जा जो पूर्व जन्म की एक आसुरी योनि में जो जीव है उसको भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया, तो कोई भी श्रद्धापूर्वक जब भगवान की सेवा करेगा तो उसको भी भगवान है ऐसी उनके ऊपर अहित कृपा उसको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रसंग से हमें कई वस्तुएं सीखने को मिलती हैं और हमें भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और तब हम वास्तव में सुंदर बनेंगे। हरे कृष्णा।